अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम हो गया शाइना ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक है। आज हम लोग जा रहे हैं हाजी लोग को वापस लेने के लिए। तो अब सब बच्चे उठ चुके हैं, सुबह के बज के रहे हैं 8, उठ चुके थे तो 6 ही बजे से मेरा उमर उठ के बैठा हुआ, ये देखो तैयार हो रहा है। और ये हसन और लाइबा खड़े हैं और ये और इनके कपड़े में करने जा रही हूँ मैं प्रेस। तो अभी हम लोग तैयार होके बस निकलने वाले हैं और सब लोग भी रेडी हो चुके हैं वहाँ पे। 8 बजे सब बोले थे निकल जाएंगे, फिर अभी मिलते हैं बाद में। सो गाइज, मैं यहाँ निकल चुकी थी, हस्बैंड चले गए थे 4-व्हीलर से, तो उसमें मेरी सासू माँ और मामू को बैठ के आना था और मैं जा रही थी बाइक से। ये बारिश के मौसम में और मैं पहुँच चुकी थी एयरपोर्ट, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। ये पार्किंग एरिया है, हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बड़ी मुश्किलों में हम लोग पहुंचे। और फिर ये लिफ्ट के पास मैं पहुंची और ये लिफ्ट बहुत बड़ी रहती है एयरपोर्ट की, बहुत सारे सामान आ सकते हैं इसमें। तो ये बहुत सारे लोग, तो ये ऊपर का देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। और ये जस्ट हम लोग पहुँचे तो हम लोग P4 पर जाना था और कोई। सो गाइस, सब आ चुके हैं एयरपोर्ट पर हाजी लोग को लेने के लिए। ये सारा आप आ चुकी हैं, या जाहिद भाई खड़े हुए सो गाइस, सब इंतजार कर रहे हैं। सो गाइस, मेरी खाला बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट पर मामू का। सब लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और बस हम लोग निकलने वाले हैं। सो गाइस, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बस निकलने वाले हैं हमारे मामू लोग। सो गाइस, देखिए वो कांच में से मामू और पप्पू दिख रहे हैं, बस हम लोग अब निकलने वाले हैं। ये बड़ी अम्मी पहला कदम रख रहे हैं, पिलाओ मत रहे हैं। सो गाइस, सब निकल रहे हैं माशाल्लाह, देखिए है। सो गाइस, सब इंतजार कर रहे हैं अपने घर वालों का, उनके घर वाले भी हज से वापस आ रहे हैं, हमारे आ चुके हैं और हम जा रहे हैं। जाएगी जाएगी
P5 पे चलो सब लोग लिफ्ट के अंदर। सो गाइज, उबैद और भाई पहुंच नहीं पाए थे तो इन लोग पार्किंग एरिया में मिल रहे थे फुप्पू और मामू से और सबसे मिल रहे थे। और फिर हम लोग सब लोग यहाँ पर सामान सब रखे गाड़ी में और सब निकल गए। फिर ये सब जो जो नहीं पहुंच पाए तो यहाँ मुलाकात कर रहे थे। हमारी गाड़ी निकल गई, फिर हम लोग पार्किंग एरिया से बाहर निकलते सावर। हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो इतनी बारिश, ये व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए इन लोग हम लोग को यहाँ मिल चुके थे और यहाँ पे भाई लोग रेनकोट पहनना चालू हो गए थे। तो भाई बारिश बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, ये देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है। खड़े थे मगर बारिश रुकी नहीं रही थी, फिर हम लोग घर तक भीगते भीगते आए। बहुत बारिश हुई और सारा दिन बारिश हुई। भीग चुकी थी कि मैं इसके बाद कुछ शूट नहीं किया। फिर इनके भाई आ चुके थे फ्लाइट से, तो ये एयरपोर्ट गए थे लेने के लिए। ये देखो भैया का वेलकम टू मुंबई हो गया है, मम्मी से मिलने आ गए चुपके से बताए नहीं। रुकना हाल बना रहे ना। अस्सलाम वालेकुम। हसन तुम्हारा गिफ्ट है, बात कर रहे हैं। तो लाइट वाली इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, रुकली भी नहीं है। हम लोग प्लान को छोड़ बन गए, तो अब भी चलते हैं। सो गाइस, मैं वहाँ से अपने मामू के घर पहुँच चुकी थी। माशाल्लाह यहाँ पर जितने मेहमान आए थे उनका खाने का इंतजाम किया गया था। सो गाइस देखिए मदीने का खजूर। इसको उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।